शराब इंसान को किस हद तक ले जाता है, इसका एक मामला नागपुर शहर के जरीपटका पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आया है। आरोपी ने 2 बोतल शराब के लिए अपने ही अवैध दारू अड्डे पर काम कर रहे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। नागपुर शहर के मेकोसभा परिसर से ये घटना सामने आई है। आरोपी ने 2 बोतल शराब के लिए पहले तो व्यक्ति को पीट पाट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद उसे रेलवे लाइन पर फेंक दिया, वही उसकी मौत हो गई। बुधवार की सुबह उसकी लाश बरामद हुई है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी हुई, मगर पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। ऐसे में एक व्यक्ति ने संदेह जताया और पुलिस एक्शन में आई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ शेखू शफीक खान और मृतक प्रमोद पॉल फ्रांसिस बताए जा रहे हैं। शेखू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, उस पर मौका भी लगाया गया था। इसी महीने पुलिस ने शेखू और उसकी गैंग को हथियारों की तस्करी में गिरफ्तार कर 4 पिस्तौल और कारतूस जब्त किए थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रमोद ने शेखू के मां से 2 शराब की बोतल चोरी की और शेखू को इस बात का पता चला। उसने प्रमोद को अपने अड्डे पर ही बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और डंडे से उस पर वार किए। इस हमले से प्रमोद बेहोश हो गया। इसके बाद शेखू ने अपने साथियों की मदद से गोवा कॉलोनी के समीप रेलवे लाइन के समीप फेंक दिया। बुधवार की सुबह प्रमोद मृतावस्था में पाया गया और परिजनों को लगा कि शराब के अधिक सेवन से प्रमोद की मौत हुई है। परिजन ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी। एक व्यक्ति ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंची और प्रमोद का शव पंचनामा के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों में चोट लगने के कारण मौत होने की जानकारी दी है। इस संबंध में जरीपटका के थानेदार अरुण शिरसागर से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर प्रमोद के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था और रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि उसकी मौत पिटाई के कारण हुई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सिकंदर उर्फ शेखू शफीक खान को गिरफ्तार किया है। कल पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि एक प्रमोद जॉन फ्रांसिस करके है, वो मेकोसभा ब्रिज के पास जो पटरी है वहाँ पे मृतक स्थिति में पाया गया और उसके घर वाले उसको घर पे लेके गए थे। तो हम लोग वहाँ उसके घर पे गए तो उसकी बहन जो थी उससे बात किया, उससे पूछा गया कि बाबा ये आपको कहाँ मिला, तो उसने कहा कि ये पटरी के पास मरा हुआ मिला हम लोग को, तो हम लोग घर ले क्रियाकर्म के लिए लेके आए। जब हम लोग बॉडी का इंस्पेक्शन किया तो उसके बॉडी के ऊपर कुछ जख्म थी, जो जैसे कंट्यूजन के कुछ मार्क्स थे, तो उसको पूछा गया तो वो बोले कि हम लोग को कुछ मालूम नहीं इस बारे में, और ये कभी कभार घर आता था, नॉर्मली वो पटरी के पास ही सोया रहता था दारू पी के यहाँ वहाँ काम करके, हम लोग ने जानकारी नहीं थी। लेकिन वो थोड़ा डाउट लगा इसलिए हम लोग ने उसके ऊपर ईडी दाखिल करके पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी भेजी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि वो इंजरी की वजह से एक्सपायर्ड हो चुका है। फिर वापस हम लोग ने उसकी बहन के पास इंक्वायरी की तो उसने बताया कि सुबह जब बॉडी ला रहे थे तो उसको एक व्यक्ति ने, उसकी जानकार व्यक्ति ने बताया था कि इसको सिकंदर उर्फ शेखू जो रिकॉर्ड के ऊपर का क्रिमिनल है हमारे यहाँ पे, उसने उसको मारा था, कुछ दारू के पैसे के इसके ऊपर से मारा था, इसलिए हम लोग ने मर्डर का गुना दाखिल करके सिकंदर उर्फ शेखू को अरेस्ट कर लिया है। सिकंदर उर्फ शेखू के पास मृतक का जो एक छोटा भाई था वो काम करता था, वो भी दारू के केस में अभी 3 महीने से जेल के अंदर ही है। शेखू की पत्नी के ऊपर तड़ीपार का प्रस्ताव गया हुआ है और शेखू के ऊपर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इससे पहले हो चुकी है। जब गुना दाखिल होने पता चला कि शेखू इसमें आरोपी है तो डीबी की टीम को लगा के उसका लोकेशन निकाल के उसको हम लोग ने पकड़ लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।